हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल के एक और बहुत पावरफुल टूल की, जिसका नाम है गूगल अलर्ट्स। तो सपोज करते हैं, आपको मैं एक एग्जांपल से लेकर समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से गूगल अलर्ट्स की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है और क्या पावरफुल टूल है ये और किस तरीके से हमको हेल्प करने वाला है। तो सपोज करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर निश को फॉलो करते हैं। इन माई केस हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। सपोज करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग निश को फॉलो करते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट लिखता हूं, या मैं पर्सनली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो इंटरनेट पर कंटेंट अवेलेबल है उसको पसंद करता हूं और उसको रीड करना चाहता हूं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत से लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई नया कंटेंट आता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप उसको किस तरीके से सर्च करेंगे, या जो ऑलरेडी भी ऑलरेडी वेबसाइट्स पोस्ट कर रही हैं, ब्लॉग्स पोस्ट कर रही हैं और आर्टिकल्स पोस्ट कर रही हैं, उसमें भी आपसे बहुत बार ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। क्योंकि किस तरीके से आप उनको ट्रैक करेंगे, क्या डेली या रेगुलरली अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो डेली आपको मैन्युअली गूगल में जाना पड़ेगा और उसके बाद वहाँ पर उस ब्लॉग पर जाना पड़ेगा जिसको आप पसंद करते हो, उस ब्लॉग पर देखना पड़ेगा कि क्या कोई रीसेंट पोस्ट आई है, क्या कोई रीसेंट आर्टिकल आया है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। इस तरीके से थोड़ा सा ये काम आपका बढ़ जाता है, तो आपको मैन्युअली ये सब करना पड़ेगा। बट इनकेस अगर हम बात करें कि हमने केवल एक कीवर्ड बता दिया, हमने बता दिया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग निश से रिलेटेड कंटेंट चाहता हूं और उसके अलर्ट्स मेरे पास ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल में आ जाए, तो ये काफ़ी ईजी रहेगा और काफी यूजफुल भी रहेगा, आपका टाइम काफी बचेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज हमको मिलने वाली हैं गूगल अलर्ट्स के थ्रू। तो इसी पर्टिकुलर टूल को एक्सप्लोर करने वाले हम लोग आज के इस वीडियो में, और बहुत ज्यादा डायमेंशंस में एक्सप्लोर करेंगे कि और किस किस तरीके से, अगर आप पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में, आप डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट हैं या डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट हैं, तो इन दैट केस किस तरीके से आपके लिए गूगल अलर्ट्स काम आने वाला है। और अगर मैं इसके पावरफुल डायमेंशंस की बात करूं, तो यहां तक आप गूगल अलर्ट्स के से आप जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी भी आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर सकते हैं। तो यहां फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलेंगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और वहां पर खोलेंगे गूगल अलर्ट्स और देखेंगे कि किस तरीके से गूगल अलर्ट्स काम करता है। तो यहां पर फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं गूगल में और यहां मैं सीधे टाइप कर लेता हूं गूगल अलर्ट्स, और आप देखेंगे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जो पहला लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है और आप सीधे पहुंच जाएंगे गूगल अलर्ट्स के डैशबोर्ड में। तो यहां पर मैं लॉगिन नहीं हूं, इसलिए ये कुछ डैशबोर्ड आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी एक गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और इस तरीके से हम लोग गूगल आईडी लॉगिन कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा दूसरे टाइप का यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अलर्ट्स लिखा हुआ है और उसके नीचे दिख रहा होगा मॉनिटर द वेब फॉर इंटरेस्टिंग न्यू कंटेंट, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आप थ्रू आउट द इंटरनेट, पूरे इंटरनेट के ऊपर जो भी आपके काम का कंटेंट है उसको अगर आप मॉनिटर कर पाएं तो कितनी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप नीचे देख रहे हैं अलर्ट के सजेशंस दिए हुए हैं, कंपनीज एक सेक्शन बना हुआ है, देन मूवीज का अलग सेक्शन है, न्यूज सेक्शंस है, फाइनेंस है, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज देयर। तो सपोज करते हैं मुझे जो कोई कंपनी मैं फॉलो कर रहा हूँ, सपोज कर रहे हैं गूगल की बात करें, तो मैं चाहता हूँ कि गूगल से रिलेटेड जो भी इंटरनेट पे ऊपर कंटेंट डाला जा रहा है वो मुझे अलर्ट्स के थ्रू मेरे ईमेल में मिलने लगे। तो यहाँ पर जो गूगल के आगे छोटा सा प्लस साइन आपको दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे ऊपर ये माई अलर्ट्स में गूगल आ चुका है। तो यहाँ से गूगल के ऊपर जितने भी पोस्ट हो रही हैं गूगल से रिलेटेड, जो भी कंटेंट पढ़ रहा है उसकी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस आपके ईमेल में मिलती रहेगी। बट एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली है, आप इस बात को थोड़ा सोचिए कि गूगल से रिलेटेड कंटेंट कितना ज़्यादा पोस्ट होता है, और अगर इतना ज़्यादा कंटेंट के नोटिफिकेशंस आपके ईमेल में आने लगेंगे तो यहाँ पर तो स्पैमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपका ईमेल फिल हो जाएगा, और फिर आप अपने ईमेल से किस तरीके से जो रिक्वायर्ड कंटेंट है उसको फिल्टर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आने वाली, इसलिए यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने माई अलर्ट्स के नीचे जो आपको गूगल दिख रहा है, इसमें आपको यहां पर एक छोटा सा एडिट का कॉलम दिख रहा है। इस पर एडिट पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है हाउ ऑफन, यानी एट मोस्ट अ डे,
जो ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एज इट हैपन्स एंड एटमोस्ट वंस अ डे, एटमोस्ट वंस अ वीक। तो ये बेसिकली जो अलर्ट्स गूगल अलर्ट्स की तरफ आपकी वेबसाइट पर आने वाले हैं उन अलर्ट्स की फ्रीक्वेंसी को ये डिफाइन कर रहा है। एज इट हैपन्स का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे ही कोई नया कंटेंट आने वाला है वैसे ही आपके पास एक अलर्ट का नोटिफिकेशन आ जाए। एंड एटमोस्ट वंस अ डे का क्या मतलब हुआ कि पूरे दिन में एक पर्टिकुलर आप टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, एट दैट टाइम ये आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दो चीज़ें हैं, देन एटमोस्ट वंस अ वीक, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है, तो आप अपनी जो फ्रीक्वेंसी है अलर्ट्स की उसको वीक पे सेट कर सकते हैं। देन सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सोर्सेस का है, तो ये देखिए ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अभी हम लोगों ने गूगल कंपनी को सेलेक्ट किया उससे रिलेटेड हमको अलर्ट्स चाहिए थे, तो अब वो अलर्ट्स के सोर्सेस क्या हैं। देखिए क्योंकि गूगल जब इंडेक्स करके रखता है तो केवल वो वेब पेज को जो इंडेक्स करता है उसमें ब्लॉग्स के फॉर्म में भी वेब पेजेस होते हैं और न्यूज़ के फॉर्म में भी वेब पेजेस है, मतलब वो इंडेक्सिंग करने के बाद आप अपने कंटेंट की गूगल क्या करता है कि वो कैटेगरी बना देता है। जैसे कोई आर्टिकल पोस्ट किया गया तो वो न्यूज़ के अंडर पोस्ट किया गया तो उसकी कैटेगरी बन गया, ब्लॉग के अंडर पोस्ट किया गया तो उसकी कैटेगरी बन गया, अगर कोई वीडियो डाला गया तो उसकी कैटेगरी में बन जाएगा। तो डेफिनेटली जैसे हमने गूगल को सेलेक्ट कर रखा है फॉर द अलर्ट पर्पस, तो इन दैट केस अब हमको किस टाइप का कंटेंट चाहिए, क्या हमको ब्लॉग्स चाहिए या हम चाहते हैं कि न्यूज़ हमें मिले या हम चाहते हैं कि जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हमको मिले, तो यहाँ पर वो सोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो छोटे से 5-6 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताई कि एक प्रॉब्लम हो सकती है वो ये कि गूगल आपने सेलेक्ट किया और नॉर्मली आपके उसने आप उसके अलर्ट को रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इतने ज़्यादा अलर्ट्स आपके पास आ जाएंगे कि डेफिनेटली आपका इनबॉक्स जो है स्पैम हो जाएगा। तो इस तरीके से सोर्सेज आप डिफाइन कर सकते हैं ताकि थोड़े से आप स्पेसिफिक हो जाएं अपनी निश को लेकर और जो रेलेवेंट कंटेंट है वही आपको मिले, बेकार की कोई भी कंटेंट आप तक ना पहुंचे। और उसके बाद रीजन है नीचे, तो रीजन में आप अगर चाहते हैं इंडिया में विद इन इंडिया जो चीज़ें हो रही उसको केवल आप अलर्ट के फॉर्म में रिसीव करना चाहते हैं तो वो वहाँ पर आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है विच इज़ हाउ मेनी, ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स या ऑल रिजल्ट्स, चाहे कि जो बेस्ट रिजल्ट्स है वही आप जो है अलर्ट्स के फॉर्म में चाहते हैं या ओवरऑल ऑल द अलर्ट्स आप चाहते हैं, जितने भी जो भी कंटेंट पड़ा है वो सभी चाहते हैं, तो डेफिनेटली जो ये डिफॉल्ट में मैं चाहूंगा आप लोग इसको ओनली द बेस्ट रिजल्ट्स ही सर्च करके रखें, क्योंकि ये क्या करेगा कि ये आपकी जो सर्च है जो आपकी अलर्ट्स के जो नोटिफिकेशन हैं उनको लिमिटेड कर देगा और केवल जो अच्छे क्वालिटी जो आपके आंसर्स होने वाले हैं या जो क्वालिटी रिजल्ट्स होने वाले हैं उन्हीं को ये यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। देन नीचे सिंपल सी बात है, आपका एक छोटा सा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप करना है जिसके ऊपर ये सारे अलर्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। बट फ्रेंड्स एक और मैं चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर जैसे आपने आज जो है गूगल कंपनी को लेकर आज आपने कोई एक अलर्ट क्रिएट किया तो आपको जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है वो नहीं मिलने वाली है, पुरानी अगर आप चाहें कि कल पहले कुछ पोस्ट हो चुका है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो आपको यहाँ गूगल के इस पर्टिकुलर टूल से तो नहीं मिलेगी, बाकी और भी बहुत सारे पेड टूल्स हैं जहाँ से आपको थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो अभी फर्दर होने वाले जो भी अलर्ट्स हैं वही सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए जैसे गूगल सेलेक्ट किया था वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ नीचे आपको एक अलर्ट का पूरा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है जिसमें वीडियोज़ भी हैं, वेब कंटेंट भी है, ब्लॉग भी है और न्यूज़ कंटेंट भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। बट अगर इसकी पार की बात करें, अब आते हैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पे और थोड़े एडवांस चीज़ों पे। यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मली बताया कि आप किस तरीके से अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपका कोई स्पेसिफिक टर्म है, जैसे यहाँ तो हम लोगों ने प्री डिफाइंड जो आपको यहाँ नीचे मैंने अलर्ट के सजेशंस आपने देखे थे उनके बेस पर मैंने केवल नॉर्मली जो है गूगल को सेलेक्ट कर लिया और उसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा था कि किस किस तरीके से आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक टर्म है, जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ मेरा एक स्पेसिफिक टर्म है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे एंटर, तो आप देखेंगे कि सेम उसी तरीके से आपको पूरा अलर्ट प्रीव्यू मिल गया। फिर भी ये इतनी ज़्यादा डेटा होगी कि आपके अगर इनबॉक्स में आएगी तो आपके लिए प्रॉब्लम करने वाली है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर थोड़े से गूगल्स के टूल्स को यूज़ करना है, गूगल के जो सर्च एक्सपर्टाइज हैं उनको यूज़ करना है। जैसे मैं यहाँ पर अगर ये डबल कोट्स लगा देता हूँ अपने डिजिटल मार्केटिंग के दोनों तरफ मैंने
डबल कोट्स यहाँ पर लगा दिए, आप देख सकते हैं इस जो सर्च बॉक्स है इसके अंदर मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगा दिया और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली ये डबल कोट्स क्या करता है, जो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड था, सपोज करते हैं यहाँ पर मैं इस टर्म को कीवर्ड मान के चल रहा हूँ, तो कीवर्ड अगर डिजिटल मार्केटिंग हमारा कीवर्ड था तो ये जो बाय डिफॉल्ट था ये ब्रॉड मैच में था। ब्रॉड मैच मतलब कहीं पर भी डिजिटल मार्केटिंग आएगा तो वो उसको उठा लेगा, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को या टॉपिक को वहां से पिक कर लेगा। और डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, अगर कहीं ऑनलाइन मार्केटिंग भी आता है, यानी जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है जिस पे हम सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड का सिनोनिम आता है, तो इन दैट केस उससे जुड़ी स्टोरीज या आर्टिकल्स या ब्लॉग्स भी वो उठा लेगा, उसको पिक कर लेगा। तो हमने क्या किया, डबल कोट्स लगाकर इसको जो ब्रॉड मैच था इसको स्पेसिफिक कर दिया और यहाँ पर अगर कोई जो टर्म है एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग टर्म आता है तभी वो यहाँ पर आपको दिखेगा, तभी उसका जो अलर्ट है वो आपके इनबॉक्स में आने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ी ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो और अच्छी तरीके से आप जो है अपने अलर्ट को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। और यही प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर जितने भी नए यूज़र्स हैं गूगल अलर्ट के जो यूज़ करते हैं या जो नए रिसर्च करना चाहते हैं अपने कॉम्पिटिटर के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो उनसे जनरली यही गलती होती है कि वो उस पर्टिकुलर रिलेवेंट टॉपिक पर नहीं पहुंच पाते, या मैं कहूं रिलेवेंट उस कंटेंट तक नहीं पहुंच पाते जो वास्तव में उनके लिए यूजफुल है। ऐसे बहुत सारी डेटा कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं अगर वो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ और कुछ मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ जो पावरफुल टिप्स हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से और ज़्यादा हम गूगल अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ रख रखा हुआ है, कुछ ऑलरेडी मेंशन करके रखा हुआ है, जैसे कीप मॉनिटरिंग योर ब्रांड, आप अपनी ही ब्रांड मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आपकी कोई ब्रांड है, आपकी कोई वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट को बहुत जगह मेंशन किया जाता है, अलग अलग ब्लॉगर्स हो सकते हैं उसको कहीं ना कहीं मेंशन कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर न्यूज़ में उसको कहीं ना कहीं मेंशन किया गया हो, ऑन द वेब बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर उनको मेंशन किया जाता है। तो इन दैट केस अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पर्टिकुलर जो आपकी ब्रांड है उसी को फॉलो कर पाएं कि मेरा नाम कहां यूज किया गया या मेरी जो वेबसाइट है उसको कहां यूज किया जा रहा है ताकि मैं पता कर पाऊं कि कहां पर मेरी वेबसाइट यूज हो रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने यहां पर एक सिंटेक्स आपको लिख रखा हुआ है, तो आप इसको एक मिनट देखें और मैं यहां पर आपको इसको टाइप करके भी दिखा देता हूं। तो इस अलर्ट में सपोज करते हैं जो मेरी कंपनी है दैट इज डब्ल्यू एस क्यूबटेक, तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। देखो अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि जैसे मैंने टाइप किया डब्ल्यू एस क्यूबटेक और बीच में कोई स्पेस नहीं दिया, तो हो सकता है जो दूसरे लोग हों वो डब्ल्यू एस क्यूब और उसके बाद स्पेस और टेक इस तरीके से लिख कर जो है कहीं पर मेरे ब्रांड को मेंशन किया हो, तो अब ये दो अलग अलग वेरिएशंस हो गए। तो आपको क्या करना है, आपको जो अलर्ट क्रिएट करना है उसमें जब अपना सर्च टर्म या जो आपकी क्वेरी है वो डालेंगे तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि मैं पॉसिबल जितने ज़्यादा वेरिएशंस हैं उन सभी वेरिएशंस को वहाँ पर यूज़ कर पाऊँ, ताकि जितने भी पॉसिबल जो चांसेस हैं मेरी ब्रांड के मेंशन हुए चांसेस हैं उनको मैं फॉलो कर पाऊँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसको लिख देता हूँ, जो सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पैरेंथेसिस खोलना है और उसके बाद डबल कोट्स एंड देन सारे आपको जैसे मैं लिख रहा हूं डब्ल्यू एस क्यूब टेक और ये पैरेंथेसिस यहां पर ये डबल कोट्स हम लोग बंद करेंगे और उसके बाद और जो कैपिटल में लिखा जाएगा और उसके बाद डब्ल्यू एस क्यूब टेक और यहां पर देखिए मैंने दोनों के बीच में गैप दिया, देन अगेन आपको और टाइप करना है और उसके बाद डब्ल्यू एस क्यूब और स्पेस देकर टेक और इसको भी मैं डबल कोट्स में कर देता हूं। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप और उसके बाद मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस बंद किया। अब आप देख रहे होंगे नीचे जो है आपको तुरंत यहाँ पर सारी चीज़ें जितने भी फिल्टर होके चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं उसमें देखिए डब्ल्यू एस क्यूबटेक और जहाँ जहाँ डब्ल्यू एस क्यूबटेक मेंशन हुआ है यहाँ पर देखिए कुछ जगहों पर तो जैसे मैं बात करूँ मेरी वेबसाइट ही सबसे पहले दिखाई दे रही है और उसके बाद आप देखेंगे तो फेसबुक में कहाँ पर मेरा नाम डब्ल्यू एस क्यूबटेक मेंशन हुआ वो दिखा रहा है और उसके बाद ग्लासडोर पर एक रिव्यू है उसमें WS CubeTech टर्म यूज हुआ वो दिखा रहा है और LinkedIn पर दिखा रहा है, देन Just Dial पर दिखा रहा है, Upwork पर दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स अब थोड़े से एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए आपकी अगर अपनी पर्सनल वेबसाइट है तो आप क्यों चाहेंगे कि जो मेरी पर्सनल वेबसाइट के ऊपर जब जितनी बार WS CubeTech नाम यूज हो रहा है डेफिनेटली आप वो इंफॉर्मेशन तो नहीं चाहेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपने यहां पर सिंटेक्स लिखा हुआ है इसी में आगे आपको छोटा सा माइनस लगाना है और माइनस लगाने के बाद WS CubeTech टाइप करना और अब आप देखेंगे तो वो जो
आपकी वेबसाइट थी WS CubeTech वो यहां से गायब हो गई। उस वेबसाइट का कोई भी कंटेंट अब आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको यहां पर YouTube दिख रहा है, LinkedIn दिख रहा है, तो और भी जो पावरफुल सोशल मीडिया उनको भी आप यहां से गायब कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर टाइप किया Facebook, YouTube, तो ये थोड़ा सा यहां से आप और ज्यादा जो सर्च है अपनी उसको रिफाइन कर सकते। तो मुझे केवल ये जो माइनस वाली चीज है ये बताने का पर्पज मेरा केवल यही था कि मैं आपको बता पाऊं कि कितना वर्सेटाइल टूल है गूगल अलर्ट्स। तो नॉर्मली आपको ये नहीं करना है कि भाई सीधे आपने एक टर्म एंटर किया और उसका अलर्ट क्रिएट कर लिया और उसके अलर्ट आपके वेबसाइट पर आने, आपके ईमेल आईडी पर आने लगे और उन ईमेल आईडी पर आप जो अलर्ट्स देख रहे हैं उसके हिसाब से आप कंटेंट तैयार करने लगे। तो ये तो चलो ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप इसके जो डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है, इतना डाइवर्सिफाइड प्लेटफॉर्म है उसको समझें और इसकी डाइवर्सिटी को समझें, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो क्या है, मॉनिटर क्वेश्चन इन योर निश। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुत से पॉपुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो इंटरव्यू से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो, चाहे किसी भी चीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हो। अगर मैं पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग डोमेन की बात करूं तो बहुत से लोग हैं जो ऐसा कुछ सर्च करते होंगे कि व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन, या व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी इन डिजिटल मार्केटिंग डोमेन फॉर अ फ्रेशर, या व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन इंटरव्यू फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर, ऐसे बहुत से सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप के दिमाग में आते हैं तो आप क्या करोगे कि आप अपनी निश के अकॉर्डिंग उस चीज को फॉलो करोगे। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं ताकि आपको और समझ में आ जाए, अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आप किस वेबसाइट को फॉलो करना चाहोगे, आप चाहोगे आप ट्रिप एडवाइजर्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप फॉलो करो, उन पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्रैवल से रिलेटेड उनके आपको अलर्ट्स मिलते रहें, राइट। अगर आप फूड ब्लॉगर हैं या फूड एंथुसियास्ट हैं या इस टाइप से फूड ब्लॉगिंग पसंद करते हैं या फूड कल्चर में हैं, तो आप क्या पसंद करेंगे कि जो जैसे जोमैटो है वहाँ पर अगर कुछ मेंशन हो रहा है तो वो आपको उसके अलर्ट मिलने लगे। अगर नॉर्मल, अगर इन केस नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं कोरा एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, तो आप चाहोगे कि आपकी जो क्वेरी है, जो क्वेरी है वो कोरा पे कहीं भी अगर मेंशन करी जा रही है तो उसका आपको अलर्ट आ जाए। तो सपोज करते हैं, जो मैं इनिशियल से एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मेरा जो निश है या मेरी जो फील्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग की, तो मैं ये मान के चलूंगा कि कोरा पे अगर कभी डिजिटल मार्केटिंग टर्म आता है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि मैं उस पर जाकर उसको पढ़ सकूं। तो ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम है और इस टाइप का आप अलर्ट चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नॉर्मली आपको अपना सबसे पहले कीवर्ड टाइप करना है या जिसको मैं कह रहा हूँ कि निश टाइप करनी है, तो आपको यहाँ टाइप कर देना है डिजिटल मार्केटिंग एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको साइट कोलन और उसके बाद कोरा.com। तो आप देख रहे हैं नीचे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ये सब, अगर मैं इनको खोल के आपको दिखाऊं तो आप देख रहे होंगे कि ये सारे जो लिंक्स हैं या कहाँ रिडायरेक्ट हो रहे हैं, कोरा पे। तो ये क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट आर द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी निश से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके के आप अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। देन जो दूसरी चीज़ मैं बता रहा था कि आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर को मॉनिटर करने का मतलब ये है कि सपोज करते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जो कीवर्ड है, किसी अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर का एक पर्टिकुलर कीवर्ड पहचान जाऊं कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर के साथ अलाइंड है, ये कॉम्पिटिटर इस पर्टिकुलर कीवर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड का मैं अलर्ट क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक नॉर्मल चीज़ लिख रखी है बैकलिंक को, तो अगर मैं यहाँ बैकलिंक को टाइप करता हूँ और तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैकलिंक को कहाँ कहाँ मेंशन है वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर आपको वो भी दिखेगा कि बैकलिंक को नॉर्मली जो है वो अपनी वेबसाइट पर भी ये टर्म मेंशन होता है, तो आपको नॉर्मल की क्या करना है, माइनस कर देना है बैकलिंक को, तो बैकलिंक को वेबसाइट वाले रिजल्ट्स यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे और बैकलिंक को दूसरी जितनी भी जगहों पर मेंशन है वो सब यहां पर दिख जाएगा। तो अगर बैकलिंक को आपका कॉम्पिटिटर है तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाए कि बैकलिंक को वेब पर कहां कहां और किन किन ब्लॉग्स में मेंशन है, तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटर रिसर्च यहां से कर सकते हैं। और उसके बाद
यहाँ पर मैंने नैप साइटेशंस के बारे में भी बता रखा है कि आप जो है नैप साइटेशंस को भी जो है उनकी भी रिसर्च कर सकते हो। और ये रिसर्च जो है बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने लिखी हुई, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, जो दूसरी दूसरी डायरेक्ट्रीज आती जा रही हैं, चाहे वो लोकल डायरेक्ट्रीज हो, लोकल साइटेशंस हो, वहाँ पर वो अपनी नैप डिटेल्स डालते रहते हैं। नैप मीन्स बेसिकली द नेम, कॉम्पिटिटर्स नेम, जो आपके कॉम्पिटिटर का नेम होगा, एंड देन ए स्टैंड फॉर एड्रेस एंड पी स्टैंड फॉर फोन नंबर। तो ये तीन मेन चीज होती है किसी भी लोकल जो बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट करने में इंटरनेट पर। तो पता चला कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो अलग अलग डायरेक्टरीज, लोकल डायरेक्टरीज पर जाकर अपनी नैप की इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहा है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली गूगल पर अपने बिजनेस का, जो आपके कॉम्पिटिटर का बिजनेस है, उसका नाम सर्च करना है, और उसके बाद चाहे आप गूगल माई बिजनेस से या जो उसकी वेबसाइट है वहां से उसकी नैप की डिटेल उठा लेंगे। और उसके बाद उस नैप की डिटेल को क्या करेंगे, आपको यहां पर नॉर्मली उसकी नैप की डिटेल को यहां गूगल अलर्ट्स में टाइप करना है। और ये जो फॉर्मेट है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आपको डबल कोट्स देन कॉम्पिटिटर्स नेम एंड देन प्लस एंड देन अगेन डबल कोट्स और उसके बाद एड्रेस एंड देन प्लस छोटा सा आपको लगाना है देन अगेन डबल कोट्स एंड देन कॉम्पिटिटर्स फोन नंबर। तो ये तीन चीज़ें आप टाइप करेंगे, देन यू विल क्लिक ऑन अलर्ट्स एंड इट विल बी डन। तो ये अलर्ट्स जो हैं आपके पास पहुंचने लगेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जहां जहां जब जब भी आपको कॉम्पिटिटर लोकल, अगर वो लोकल SEO करता है तो डेफिनेटली वो जाकर ये सारी चीज़ें वहां पर ज़रूर एंटर करता होगा। तो जितनी बार भी वो नया कोई जो है एंट्री करेगा कहीं पर भी नैप की, तो उसका अलर्ट आपके पास आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये था कि काफ़ी कुछ है गूगल अलर्ट्स के प्लेटफॉर्म में एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो आप अपने नॉर्मल, आपका जो निश है, अगर आप नॉर्मल ब्लॉगर हैं तो आप बहुत सारे कंटेंट रिसर्च वहाँ से कर सकते हैं कि कौन सा कंटेंट ट्रेंडिंग है, किस कंटेंट पर कहाँ बात हो रही है, कौन सा ब्लॉग ट्रेंडिंग है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में एज अ प्रोफेशन हैं, आपके कुछ क्लाइंट्स हैं, तो आप डेफिनेटली उन क्लाइंट्स के लिए कॉम्पिटिटर रिसर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको गूगल अलर्ट से मिलने वाली होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस, लगभग रेगुलरली हम एक वीडियो पोस्ट करते हैं डेली, तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। एंड थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।